रूस के एक लोकल टीवी चैनल कैपिटलिस्ट टीवी ने प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बारे में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। चैनल का दावा है कि पुतिन सेक्स पावर बढ़ाने के लिए साइबेरिया के हिरणों के सींग के खून से नहाते हैं। चैनल का यह भी दावा है कि पिछले साल पुतिन के लिए इन हिरणों के सिर से करीब 70 किलो सींग काटे गए थे। साइबेरिया में पाए जाने वाले इन 12 सिंगा के सींग से निकलने वाले खून को सेक्स पावर बढ़ाने वाली दवा माना जाता है। इसके बारे में दावा किया जाता है कि इस खून से नहाने पर कई तरह की शारीरिक बीमारियां ही ठीक नहीं होती बल्कि सेक्स क्षमता भी बढ़ जाती है। इसी के चलते बेरहमी से इन हिरणों के सींग काट लिए जाते हैं और इनका खून बोतल में भरकर बेचा जाता है। अधिकतर लोग यह खून पीते भी हैं। इसके अलावा कट्टे सींग को पीसकर उसका पाउडर भी बनाया जाता है। इसे खाने से भी सेक्स पावर बढ़ाने का दावा किया जाता है। साइबेरिया के अतलाई माउंटेन के आसपास जंगली बारहसिंगा हिरणों की भरमार है। यहाँ इनके कई फार्म हाउस बनाए गए हैं। इन्हीं फार्म हाउस में स्लॉटर हाउस भी हैं। इन स्लॉटर हाउस में जिंदा ही हिरणों के सींग को आरी से काट लिया जाता है। इसके बाद सींग से टपकने वाला खून बोतलों में भर लिया जाता है। माना जाता है कि इस खून से सेक्स पावर बढ़ती है। इस ब्लड को वियाग्रा ब्लड भी कहा जाता है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि इस खून से महिलाओं के बुढ़ापे की गति धीमी होती है। इसके 10 ग्राम की कीमत ही सैकड़ों डॉलर में होती है। इसकी काफी डिमांड भी है। इस ब्लड की सबसे ज्यादा सप्लाई साउथ कोरिया और अन्य एशियन कंट्रीज में होती है। हिरणों के सींग काटने के लिए बकायदा ऐसे चेंबर बनाए गए हैं जहां से हिरण हिलडुल भी नहीं सकता। क्रूरता की सबसे भयानक हद तो यह है कि ऐसा करने से पहले हिरण को एनेस्थेसिया भी नहीं दिया जाता। इससे हिरण पूरे होशो हवास में रहता है और बेबस होकर इस असहनीय दर्द को सहन करता है। इसके बाद हिरणों को पट्टी बांध कर छोड़ दिया जाता है। कुछ दिनों बाद हिरण के सींग फिर बढ़ने लगते हैं।